कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे टीएमडी के बारे में। आज जानेंगे टीएमडी सूद में किस तरह कीमतें देखी जा रही हैं, किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड टीएमडी सूद में बाजारों में आज के दिन चल रहा है, किस तरह की कीमतें रिटेल इन्वेस्टर के लिए बाजारों में आज चल रही है। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो टीएमडी सूद के बारे में बात करने से पहले इंगट के बारे में बात कर लेते हैं। इंगट में बाजारों में रिकवरी के साथ कारोबार देखा जा रहा है, 50,000 के करीब इंगट आ चुका है। इंगट में जो तेजी आई है उसका असर आप टीएमडी सूद पर भी देख कर चल सकते हैं। सबसे पहले कीमतों के बारे में बात करते हैं तो 206 mm टीएमडी का रेट बाजारों में 66.40 रुपए पर किलोग्राम चल रहा है। 250 mm टीएमडी कीमतें भी 66.40 रुपए पर किलोग्राम देखी जा रही है। 310 mm टीएमडी का रेट बाजारों में 65.20 रुपए पर किलोग्राम है। 412 mm टीएमडी कीमतें 62.80 रुपए पर किलोग्राम चल रही है। 516 mm टीएमडी का रेट बाजारों में आप 64 रुपए पर किलोग्राम देख सकते हैं। 620 mm टीएमडी की जो कीमतें। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। टीएमडी की जो कीमतें हैं बाजारों में वो 64 रुपए पर किलोग्राम देखी जा रही हैं और 8 सूद यानी 25 mm टीएमडी का रेट भी बाजारों में 64 रुपए पर किलोग्राम देखा जा रहा है। तो बाजारों में रिकवरी के साथ एक बार फिर से हम लोग कारोबार देखकर जा सकते हैं। जो गिरावट देखी जा रही थी उस पर विराम लगता हुआ नजर आया है। ट्रेंड बाजारों में पॉजिटिव है और रिटेलर्स के लिए हमारी सही सलाह होगी कि बाजारों में हमने आपको जितनी भी कीमतें बताई हैं ये सभी जीएसटी इंक्लूडेड रेट है। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको उसमें जीएसटी अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। और क्योंकि ये होलसेल की कीमतें हैं इसी वजह से अगर रिटेलर इन कीमतों पर बाजारों में खरीदारी करते हैं तो उनको बाजार के मार्केट से 3 से 4 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से टीएमडी सूद बाजारों में महंगा पड़ेगा। और बाजारों में हम खरीदारी करने के लिए यही कहेंगे कि गिरावट बाजारों में अगर आपको कहीं मिलती है तो उस जगह से आप खरीदारी करके जरूर चलिए, लेकिन इसमें आप ऊपरी स्तर पर सतर्क जरूर रहिए और एक अच्छा प्रॉफिट मिलने पर आप इसमें ऊपरी स्तर पर अपना प्रॉफिट भी बुक करके चल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल के लिए बेहद पॉजिटिव है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए उस पर हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।